है, तो कल तक तो अपन यहाँ पहुंच चुके थे, एंड इसका पार्ट वन मैं यहाँ पे कार्ड्स में डाल दूंगा, तो आप पार्ट वन पहले देख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट में आइएगा। तो बात होती है कलेक्शंस को कैसे हम सिंक्रोनाइज कलेक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक इजी मेथड है जो जावा यूटिल्स डॉट कलेक्शंस क्लास में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप एक थ्रेड सेफ कलेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज कलेक्शन, ये मेथड का नाम है। तो कोई भी टाइप टी, मतलब जेनरिक है, स्टैटिक आपका इंटीजर कलेक्शन, आपका मान लो जो टाइप टी के बदले में इंटीजर बोल रहा हूँ, सिंक्रोनाइज कलेक्शन, एंड देन आप कलेक्शन जो आपका था उसमें आप बोल सकते हो, तो दैट विल क्रिएट योर सिंक्रोनाइज कलेक्शन। फिर आइडेंटिटी हैश मैप कैसे डिफरेंट है रेगुलर मैप से जावा में। तो जो आइडेंटिटी हैश मैप होता है जावा में, वो मैप इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है, लेकिन ये जनरल पर्पस इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मैप इंटरफेस का, जो कि डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होते हैं इक्वल मेथड के, उसको वायलेट करता है। मतलब कि क्या है कि आइडेंटिटी हैश मैप में जो टू कीज है वो K1 K2 तभी इक्वल है जब उनका K1 डबल इक्वल्स टू K2, मतलब उनके इंस्टेंसेस या पॉइंटर्स जो है वो इक्वल होंगे। नॉर्मल हैश मैप में हम डॉट इक्वल्स यूज करते हैं, ठीक है, जब K1 नल नहीं है या K2 नल नहीं है। K1 नल है तो अपन K2, बेसिकली आप ये चेक करते हैं कि अगर दोनों प्रेजेंट है तो K1 डॉट इक्वल्स टू K2 करते हो। तो सेकेंड थिंग है कि ये मैप इंटरफेस एक हैश टेबल के साथ इंप्लीमेंट करता है, और रिफरेंसेस इक्वेलिटी यूज करता है रेदर देन ऑब्जेक्ट इक्वेलिटी के, ठीक है, कम कम की कंपेयर करने में। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा आप लोग को। मेन यूज क्या है, देखो टोपोलॉजी प्रिजर्वेशन पे इसका मेन यूज यूज है। टिपिकल यूज ये है कि आइडेंटिटी हैश मैप क्लास जो होता है वो टोपोलॉजी प्रिजर्विंग ऑब्जेक्ट ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यूज होता है। जिसका मतलब ये है कि जैसे डीप सीरियलाइजेशन या डीप कॉपी यूज कर रहे हो, इन केस में क्या होता है कि प्रोग्राम जो है एक नोड टेबल मेंटेन करेगा, जो जो सारे ऑब्जेक्ट रेफरेंस को अपने पास जो भी प्रोसेस हो चुके हैं वो रखेगा। दूसरा, ये नोड टेबल जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एज इक्वल कंसिडर नहीं करेगा, इवन इफ दे आर हैपन टू बी इक्वल। लाइक विवेक विवेक दोनों अगर इक्वल है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो इक्वल कंसिडर नहीं करेगा उसको। फिर प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स, अनदर यूज क्या है कि आप एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक डीबगिंग प्रोग्राम होगा जो मेंटेन करेगा इन सब चीजों को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये उतना डीप में नहीं पूछेगा आइडेंटिटी हैश मैप, बट जस्ट फॉर अब आप परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आइडेंटिटी हैश मैप का। तो एक ट्यूनिंग पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड मैक्स साइज, ठीक है। ये जो पैरामीटर है ये वो है कि कितने नंबर ऑफ की वैल्यू मैपिंग्स आप होल्ड कर सकते हो। तो ये जो पैरामीटर्स है ये बकेट्स आइडेंटिफाई करने के काम आता है इनिशियली हैश टेबल पे, फिर प्रिसाइज रिलेशनशिप देता है कि कितना एक्सपेक्टेड मैक्सिमम साइज होगा और कितना नंबर ऑफ बकेट्स होगा, ठीक है। तो ये जो है अनस्पेसिफाइड है, तो अगर ये नंबर ऑफ की वैल्यू मैपिंग जो है वो एक्सीड कर जाती है तो ये बकेट्स को इंक्रीज करता है। जैसे आपका लोड फैक्टर होता है तो नंबर ऑफ बकेट्स को इंक्रीज करने को हम बोलते हैं रीहैशिंग, और रीहैशिंग जो होता है वो फेयरली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए अपन लोग कंसिस्टेंट हैशिंग में जाते हैं, या राइट, अगर आपको पता होगा तो। ये जो तो बेटर ये रहता है कि एक आइडेंटिटी हैश में क्रिएट कर लो जिसमें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड मैक्सिमम साइज होता है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप इटरेट करते हो मैप कलेक्शन से, तो ये टाइम रखता है जितने आपके नंबर ऑफ बकेट्स हैं हैश टेबल पे, उस प्रोपोर्शनल पे इटरेट होता है। तो इटरेशन थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको इटरेट करना है आइडेंटिटी हैश मैप में तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सकता है। तो जब आप बेसिकली जब आप एक्सपेक्टेड मैक्स साइज जो है वो सेट करोगे तो ये सब चीजों को कंसिडर कर लेना। फिर आइडेंटिटी हैश मैप थ्रेड सेफ है क्या? नहीं है, सिंपल सी बात, नहीं है। अब वीक हैश मैप क्या होता है? देखो वीक हैश मैप भी जो है ना आइडेंटिटी हैश मैप के सिंपलर सिंपलर है। इंटरनली उसको भी हैश टेबल से रिप्रेजेंट होता है, वो भी सिंक्रोनाइज नहीं है। हम वीक हैश मैप थ्रेड सेफ सिंक्रोनाइज मैप के जरिए बना सकते हैं, और वीक हैश मैप में जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी
अगर वो यूज नहीं हो रही है तो, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस डालोगे हैश मैप में, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो बंद हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट तब हट जाएगा। तो ये वीक हैश मैप का काम आता है, और वीक हैश मैप आपको नल कीज परमिट करता है। अब आप कलेक्शन को रीड ऑनली कैसे बना सकते हैं, वो आप कलेक्शन डॉट अनमोडिफाइबल मैप, अनमोडिफाइबल लिस्ट, अनमोडिफाइबल सेट और अनमोडिफाइबल कलेक्शन। अब ये अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन क्या है, ये तब होता है जब आप कोई ऑप्टिमल कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो जो उस कलेक्शन पे सपोर्टेड नहीं है। तो ये मतलब इफ देयर इज एन ऑप्शनल ऐड और रिमूव मेथड इन अ रीड ओनली कलेक्शन, तो ये बोल देगा भाई कि नहीं, अभी आपने अनमॉडिफाइबल बनाया है ना सेट, उसमें आप ऐड करना चाहोगे तो ऐड नहीं कर पाओगे, तो वो होता है। अब ये बोल रहा है कि लेट्स से देयर इज अ कस्टमर क्लास, हम कस्टमर क्लास को एक एरे लिस्ट में, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, हम सॉर्ट कैसे करेंगे कस्टमर ऑब्जेक्ट को विद फर्स्ट नेम। तो देखो कंपेरेबल और कंपेरेटर से आप यूज कर सकते हो, कंपेरेबल से आप फर्स्ट नेम पे आप सॉर्ट कर सकते हो, कंपेरेटर से आप बेसिकली ये कर सकते हो, कंपेरेटर को फिर आप दूसरे चीजों को भी यूज करने के लिए काम कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं सिंपल चीजों में बताऊँ तो कंपेरेबल में आप सिर्फ एक ही लोगे, कंपेरेटर में यू कैन हैव टू वेरिएबल्स, तो इट विल बी अ गुड बेनिफिट। अब भाई दोनों सिंक्रोनाइज्ड और कंकरेंट में क्या डिफरेंस है, तो जावा 1.5 से बहुत सारे कंकरेंट कलेक्शन क्लास ऐड किए गए, जैसे कंकरेंट हैश मैप, कॉपी ऑन राइट, ब्लॉकिंग क्यू एक्सेट्रा। तो जावा जो है यूटिलिटी मेथड्स प्रोवाइड करता है कि हम सिंक्रोनाइज कॉपी ही निकाल लें, जैसे कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट एंड कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज मैप। तो डिफरेंस दोनों का परफॉर्मेंस में है, कंकरेंट कलेक्शन जो है उसका परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि उसी में कुछ सेगमेंट ऑफ डेटा को ही लॉक करते हैं रीड के लिए, जबकि सिंक्रोनाइज जो है वो सबको लॉक कर देता है, पूरा एक मैप ही लॉक हो जाएगा आपका। फिर क्या सिनेरियो पे कंकरेंट हैश मैप यूज करना चाहिए, जब आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट लॉक करना है तो आपको कंकरेंट हैश मैप यूज करना चाहिए। फिर एम्प्टी मैप कैसे बनाओगे, माई मैप डॉट एम्प्टी मैप या एनी मैप बनाओगे वो एम्प्टी मैप ही रहता है। फिर डिफरेंस क्या है रिमूव मेथड ऑफ कलेक्शन का और रिमूव मेथड ऑफ आइटरेटर का। तो कलेक्शन का रिमूव है वो मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट रिमूव करता है, और जब आप आइट्रेट कर रहे हो किसी कलेक्शन पे और आपको रिमूव करना है तो वो करंट एलिमेंट फ्रॉम द आइट्रेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू को रिमूव करता है। ठीक है, तो अगर आप मान लो फिफ्थ पोजिशन पे हो तो आप फिफ्थ पॉइंट को रिमूव करोगे, जबकि आप लिस्ट या कलेक्शन पे आप ऑब्जेक्ट देके रिमूव कर सकते हो और लिस्ट में आप इंडेक्स देके रिमूव कर सकते हो। देखो ये बता चुका हूँ, इज इट पॉसिबल टू रिप्लेस हैश टेबल विद कंकरेंट हैश मैप, डेफिनेटली पॉसिबल है, बट इसमें आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि उनका बिहेवियर जो लॉकिंग का रहता है वो चेंज रहता है। हैश टेबल जो है वो पूरा लॉक कर देता है मैप को, और कंकरेंट हैश मैप सिर्फ उन्हीं को लॉक करता है कि जब हमको इशू आ रहा है। ठीक है, फिर कॉपी ऑन राइट एरर लिस्ट डिफरेंट कैसे है, देखो कॉपी ऑन राइट जो है वो जावा 1.5 के बाद दिया गया है ना, तो ये कंकरेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है सिंक्रोनाइज लिस्ट से बेटर। तो कॉपी क्या करता है कि आप जब कंकरेंसी कैसे होती है, कॉपी करता है एरर लिस्ट को जब भी आप कोई नया राइट कर रहे हो, और रिप्लेस करता है ओरिजिनल लिस्ट से इंस्टेड ऑफ लॉकिंग, सो कोई भी कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं भेजता, तो ये काफी सही है। अब लिस्ट इटरेटर में ऐड मेथड है पर इटरेटर में क्यों नहीं है, बिकॉज इटरेटर में अगर आप ऐड करोगे इटरेशन के समय तो वो आपको कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन भेजेगा, और यही है एक मेन चीज है। और इटरेटर जो है वो वन डायरेक्शन ट्रेवल करता है, तो कोई मतलब नहीं है ऐड डायरेक्शन का, बिकॉज आप लिस्ट में आप दोनों तरफ जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो। अब ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आपको पता है कि आप ट्रैवर्स भी कर रहे हो और आप रिमूव भी करना चाहोगे, तो फिर हाउ विल यू कन्वर्ट अ मैप टू अ लिस्ट इन जावा। सो यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट, ओके, सो हाउ कैन वी क्रिएट अ मैप विथ रिवर्स व्यू एंड लुकअप इन जावा। सो बेसिकली अ मैप वी कैन हैव अ लुकअप फॉर अ वैल्यू बाय यूजिंग अ डिस्टिंक्ट की। इन अ मैप विथ रिवर्स व्यू एंड लुकअप दैट मीन्स वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए और कीज जो है वो आपके डिफरेंट नहीं, तो हो सकता है एक की पे दो वैल्यूज हैं,
तो दैट केस आपको दो वैल्यूज के लिए एक ही की को डालना पड़ेगा, तो वैल्यूज अब डिफरेंट हो जाएंगे और की दोनों एक ही में आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, आपको मतलब खुद से करना पड़ेगा, आइटरेट कर एक नया मैप लेना पड़ेगा और की को आइटरेट करना पड़ेगा, उस की में जितने वैल्यूज है उनकी एक नई की बनानी पड़ेगी और ये जो की है उसको वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, एंड देन यही आप कर सकते हो। फिर हाउ विल यू क्रिएट अ शैलो कॉपी, तो मैप प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ कॉपी मेथड ऑफ अनदर मैप। जो कॉपी मेथड है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो जब आप थ्रेड से कॉपी कर रहे हो तो दूसरा थ्रेड आके उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो जब आप ये कॉपी वॉपी फलाना ठिकाना कर रहे हो तो सिंक्रोनाइज मैप यूज करो, जिससे पहले तो ये वो थ्रेड सेफ हो जाएगा, कोई और आके कुछ काम नहीं कर पाएगा, वेट नोटिफाई का काम चलना पड़ेगा। और फिर आप क्लोन मेथड से भी, दूसरा मेथड ये है कि आप क्लोन मेथड से कर लेते हो, बट वो रिकमेंडेड अप्रोच है नहीं। अब वाई वी कैन नॉट क्रिएट अ जेनरिक एरे। देखो एरे जो है वो प्रिमिटिव से डील करता है और नॉर्मल से भी डील करता है, बट जेनरिक इसलिए नहीं होता क्योंकि जावा को एरे जो है वो जाना जाता है कि टाइप इंफॉर्मेशन चाहिए उसको रन टाइम में, ठीक है। इसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन अगर रन टाइम पे यूज होता है कि ताकि आप वो एरे स्टोर एक्सेप्शन करें अगर डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। तो इन केस ऑफ जेनरिक्स में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है इरेज हो जाता है रन टाइम में बाय आर टाइप इरेश्योर, तो इसी कारण एरे जो है वो जेनरिक नहीं होता। तो जेनरिक मतलब यूज नहीं होता बेसिकली। प्रायोरिटी क्यू क्या है? देखो प्रायोरिटी क्यू मैं आपने इसको भी बताऊंगा, अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो हीप जो होता है ना उसको आप एज अ प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हो। तो प्रायोरिटी क्यू बेसिकली एक क्यू लाइक स्ट्रक्चर है, बट इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता, इसमें एक चीजें होती है नेचुरल ऑर्डरिंग की, जो लोएस्ट आइटम है वो पहले रहेगा और उसके बाद सेकेंड लोएस्ट थर्ड लोएस्ट, तो ये अपना एक चीजें मैनेज करते रहता है, ठीक है। और ये नल वैल्यूज ऑब्वियसली अलाउ नहीं करता, थ्रेड सेफ नहीं है, आप ब्लॉकिंग क्यू यूज कर सकते हो, एन लॉग एन है फॉर एन क्यूइंग एंड डी क्यूइंग। फिर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल यूजिंग जावा कलेक्शंस? तो इंटरफेस हुआ, जेनरिक्स हुआ, कलेक्शन हुआ, राइट टाइप हुआ, और इनिशियल साइज क्या होता है किसी भी जावा कलेक्शन का। हम लोगों ने एरे लिस्ट की बात की थी और आपकी मैप की बात की थी जिसमें लोड फैक्टर था, एरे लिस्ट 50% इंक्रीज करता है, ऑल दोस थिंग्स। अब हाउ कैन वी पास अ कलेक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ मेथड एंड एंश्योर दैट मेथड विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई? तो आप बेसिकली आप रीड ओनली क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको अनमॉडिफाइबल कलेक्शन बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट दिस अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। अब आपको हैश मैप इंटरनली इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो देखो हैश मैप आपको पता है कि वो एक हैशिंग के टेक्निक में बिल्ट है और उसमें आपको की और वैल्यू ऑब्जेक्ट को एक बकेट में स्टोर करना रहता है। तो क्या होता है कि जो की ऑब्जेक्ट है वो प्रोवाइड करता है आपका हैश कोड और इक्वल्स मेथड। तो जब आप पुट मेथड को डालते हो तो की वैल्यू पेयर के लिए स्टोर करता है, तो हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हैश कोड कॉल करता है, ठीक है। और हैश कोड क्या करता है, की ऑब्जेक्ट में हैश कोड कॉल करता है और एक कैलकुलेट करता है हैश। अब वो फाइंड करता है वो बकेट जहाँ पे वो एंट्री आपकी स्टोर हो। सेम थिंग जब आप गेट करते हो तो उस की के लिए फिर वो हैश कोड फाइंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करता है, फिर वो एंट्री फाइंड करता है, अगर वहां पे कोई डेटा है तो वो देता है, नहीं तो बोलता है बाय बाय, ठीक है। हैश सेट भी वैसे ही है कि हैश सेट जो है वो यूज करता है हैश मैप टू स्टोर द एलिमेंट्स टू मेंटेन द यूनिकनेस ऑफ द एलिमेंट। सो हैश सेट का जो ऑब्जेक्ट है करेस्पॉन्डिंग मैप क्रिएट होता है और जिससे वो काम चलता है। नेविगेबल मैप जो है आप नेविगेट कर सकते हो, मतलब डिसेंडिंग की सेट, डिसेंडिंग मैप, हेड मैप एंड टेल मैप, तो ये रहता है। डिफरेंस क्या है डिसेंडिंग की सेट और डिसेंडिंग मैप में? डिसेंडिंग की सेट आपको नेविगेबल सेट रिटर्न करेगा और डिसेंडिंग मैप जो है वो आपको नेविगेबल मैप रिटर्न करेगा, ठीक है। तो नेविगेबल मैप का मैप के ऊपर क्या एडवांटेज है? तो जो मेन एडवांटेज है नेविगेबल मैप का मैप के ऊपर वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटीज मैप में, जैसे आप सॉर्टेड मैप यूज कर सकते हो जो कि नेविगेशन हो जाता है, और ये क्लोजेस्ट मैच रिटर्न करता है जो भी आप सर्च करो टारगेट का। इसमें काफी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जैसे लोअर एंट्री, फ्लोर एंट्री, सीलिंग एंट्री एंड हायर एंट्री एंड रिटर्न्स अ मैप डॉट एंट्री ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आप ये सब काम कर सकते हो। तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके एंट्रीज रिप्रेजेंटेड रहते हैं इसमें। डिफरेंस क्या है हेड मैप, टेल मैप, सब मैप में? तो देखो इतना कुछ यूज होता नहीं है,
बट यू कैन एक्चुअली यूज दिस, आई हैव नेवर सीन दोस थिंग्स, इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है. तो आप नेचुरल ऑर्डर से कैसे करोगे, तो आप कंपेयर टू मेथड कॉल करोगे, कंपेरेटर का नहीं है, कंपेरेबल का है, और कस्टम कंपेरेटर उस समय तो आप कंपेयर मेथड कॉल कर लोगे. फिर आपको ये कलेक्शंस में स्ट्रीम है वो आता है कि आपके पास एक स्ट्रीम मेथड है वो आप यूज कर सकते हो. तो जावा का मैप को आप स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो आइटम डॉट स्ट्रीम डॉट मैप आइटम्स डॉट आइटम डॉट टू लोअर केस. तो ये एक तरीका है जिससे आप मैप को आप स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, आइटम्स आपका एक मैप है तो उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो इफ यू वॉन्ट लेट मी जस्ट गिव यू सिंगल थिंग, लेट मी क्रिएट दिस कोर्स एंड न्यू जावा क्लास. टेस्टिंग्स एंड पी एस वी एम. सो दिस इज योर मैप. सपोज इन टीचर Okay, then you can just simply go and do all the import part. So now what you have to do is like an item dot stream. तो यहाँ पे आप जाओगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइटम डॉट स्ट्रीम डॉट मैप आइटम कॉमा आइटम डॉट टू लेयर लोअर केस. तो क्या कर रहा है कि आपको कैन हाउ कैन वी गेट अ मैप फ्रॉम अ स्ट्रीम इन जावा. सो दिस इज हाउ इट इज. एक्चुअली हम लोग स्ट्रीम मैप से स्ट्रीम बना रहे थे, तो हमको एच एम डॉट फॉरिच लगाएंगे तो बनेगा. तो ये डिफरेंट मेथड है, तो आप इसमें बेसिकली आप ये कर सकते हो यार. अरे मैं भी क्या क्या कर रहा हूँ. एचएम डॉट एंट्री सेट ले लो चुपचाप, डॉट स्ट्रीम ले लो, ठीक है, फिर डॉट आप फॉरिच कर लो, उसमें आप जाओ ई जो भी आपका है ना उसके आप लैम्डा लगाओ, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है, यहाँ पे काम कर जाना चाहिए. नहीं कर रहा है तो आप सिंपल से बात लो डालें, इसमें आप ई प्रिंट कर दो, काम आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, 1122 आ गया, देखो भाई. तो दिस इज नॉट डेट आंसर, बट ये मैं आपको बता दिया कि ऐसे आप यूज कर सकते हो. नाउ यहाँ पे दो डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन है, कौन कौन से अच्छे हैं. देखो एरे डी क्यू एक इम्प्लीमेंटेशन है और एक है लिंक लिस्ट. तो एरे डी क्यू जो होता है रीसाइजेबल एरे इम्प्लीमेंटेशन रहता है डी क्यू का, मतलब आप इंक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द प्रोग्राम, और ये थ्रेड सेफ नहीं रहता. फिर सेम सिमिलरली एक लिंक लिस्ट भी रहता है, ये भी सिंक्रोनाइज नहीं रहता, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी रहता है. तो आप ये दोनों तो पता ही होगा आपको. ओके, फाइनली कलेक्शंस खत्म हुआ, और आई होप मैंने सारा क्वेश्चन जो है वो कर दिया हो उसका कंप्लीट. तो आप दो तीन बार गो थ्रू कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आई थिंक ये बेटर है. ये दो वीडियो में आपको कलेक्शन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो
फॉर नाउ विल स्टॉप इट हियर एंड टुमारो और मे बी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पे बात करेंगे. ओके चलो बाय बाय.